और अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके पास दीनारों का ढेर अमानत रख दो तो तुमको फौरन वापस दे दे, और कोई इस तरह का है कि अगर उसके पास एक दीनार भी अमानत रखो तो जब तक उसके सर पर हर वक्त खड़े न रहो तुम्हें दे ही नहीं। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हमसे मुआखजा नहीं होगा। ये अल्लाह पर महज झूठ बोलते हैं और इस बात को जानते भी हैं। मोमिनों, एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फायदा हासिल हो जाए तो वो जायज है। और अपने आप को हलाक ना करो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। मुसलमानों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनता है देखता है। और यतीम के माल के पास भी न जाना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गो के वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है तो तुम नाप और तोल पूरी किया करो, और लोगों को चीजें कम न दिया करो, और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि यह बात तुम्हारे हक में बेहतर है। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो, कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी न किया करो। मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूं, और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर कर रहेगा। और ऐ मेरी कौम, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो, और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो, और जमीन में खराबी करते ना फिरो, और यतीम के माल के पास भी ना फटकना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत बेहतर हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए। और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में जरूर पुरसिश होगी, और जब कोई चीज नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो, और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रखकर तोला करो। ये बहुत अच्छी बात और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। और जो अमानतों और इकरारों को मलहूज रखती हैं, नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है। जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें, और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम दें। वो अपने अहलो अयाल ही में मगन रहता था।